हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू बाइकर्स वर्ल्ड। तो आज हम लोग जिस जैकेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है स्काला। प्लीज, स्काला ने ये न्यूली जैकेट लॉन्च किया है बजट सेगमेंट में, तो आज इस जैकेट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इस जैकेट के स्पेसिफिकेशन फीचर्स जान लेंगे हम लोग। तो बिना किसी देरी के जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कवर करने वाले वो है जैकेट में कौन से कलर आते हैं और कौन से साइजेस आते हैं। तो इस जैकेट में आपको स्मॉल से लेके 5XL तक साइजेस देखने मिल जाएंगे, और कलर ये सिंगल कलर ही आएगा जो कि है ब्लैक कलर, जिसपे ये फ्लोरोसेंट येलो कलर दिया हुआ है, सो दैट नाइट में कुछ इशू ना हो। इसके लिए ये हाई विजिबिलिटी कलर रहता है, तो ये आपको दिया हुआ है इस पे, तो ये आपको देखने मिल जाएगा इसमें। उसके अलावा जैकेट इस प्यारे से बैग में आता है, आप देख सकते हो। तो अगर आपको जैकेट घर पे रखना है तो आप इस बैग में इजीली रख सकते हो। तो ये आपको बैग साथ में मिल जाएगा जैकेट के साथ। फिर हम लोग मूव करेंगे इसके आउटर शेल पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आउटर शेल में आपको आगे वाले साइड पूरा मेश देखने मिल जाएगा। ये पूरा पार्ट मेश है, ये जाली जाली जो है वो है पूरा मेश, तो एयर सर्कुलेशन प्रॉपर होगा और इवन आप समर में भी इजीली पहन सकते हो विदाउट एनी इश्यू। हाथ में भी आपको मेश देखने मिल जाएगा पूरा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 600D डेनियल पॉलिएस्टर मटेरियल देखने मिल जाएगा, जो कि एब्रेशन रेजिस्टेंट मटेरियल रहता है। तो आप गिरते हो तो आपको ये डैमेज नहीं होने देगा, स्क्रैचेस नहीं गिरने देगा आपके बॉडी पे, ये प्रोटेक्ट करेगा आपको। तो आपको 600D डेनियल पॉलिएस्टर मटेरियल देखने मिल जाएगा ये पूरे पोर्शन पे, यहाँ पे साइड में, पीछे वाले साइड भी। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिव पार्ट है पूरा, यहाँ पे एंड यहाँ पे ये पूरा रिफ्लेक्टर है, वाइट वाइट जो पट्टी दिख रहा है आपको, तो ये नाइट राइड में आपको काम में आएगा, ये रिफ्लेक्ट होगा अगर इस पे लाइट गिरेगा तो। यहाँ पे भी आपको रिफ्लेक्टर देखने मिल जाएगा, हाथ पे ये पट्टी दिया हुआ है यहाँ पे भी, एंड पीछे वाले साइड भी पूरा ऊपर वाले साइड आपको रिफ्लेक्टर देखने मिल जाएगा। इवन ये जो फ्लोरोसेंट येलो कलर है ये भी एज अ रिफ्लेक्टिव ही काम करेगा आपके लिए, क्योंकि इस पे लाइट गिरता है तो ये दूर से दिखने में आ जाता है, इसलिए इसको हाई विजिबिलिटी कलर बोलते हैं। फिर हम लोग मूव करेंगे पॉकेट्स पे। तो इसमें आपको दो पॉकेट्स देखने मिल जाएंगे बाहर वाले साइड पे, जो कि है वाटर रेजिस्टेंट पॉकेट्स। तो ये पूरी तरीके से वाटर रेजिस्टेंट पॉकेट्स है, बट बारिश में अगर आपका कोई वैल्यूएबल चीज रहेगा तो इसमें मत रखिएगा, पानी जाने का चांसेस है। ऑल दो ये वाटर रेजिस्टेंट है, बट तो भी हम लोग रेकमेंड करते कि बारिश में इसमें कुछ आप रखिएगा मत, आपके वैल्यूएबल चीज है जैसे कि मोबाइल फोन हो गया या वॉलेट पैसा, वो इसमें मत ही रखिएगा बारिश के टाइम पे। फिर हम लोग मूव करेंगे इसमें जो एडजस्टमेंट मिलते हैं वो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों हाथ पे आपको ये स्ट्रैप्स मिल जाते हैं, वेलक्रो स्ट्रैप्स एडजस्ट करने के लिए, सो दैट आपका जो एल्बो प्रोटेक्टर है वो एक ही जगह पे इंटैक्ट हो, उसके लिए ये वेलक्रो स्ट्रैप्स दिए हुए हैं आपको फोर आर्म्स पे और बाइसेप्स पे। एंड यहाँ पे रिस्ट पे भी आपको एक वेलक्रो स्ट्रैप देखने मिल जाएगा ये वाला, जो कि आप ग्लव्स या कुछ पहनोगे या टक इन करोगे फिर आप इसको ऐसे लगा सकते हो, सो दैट वो बल्कि बल्कि नहीं दिखेगा, एक प्रॉपर अलाइनमेंट में रहेगा। तो ये आपको एडजस्टमेंट देखने मिल जाएगा दोनों हाथ पे। फिर लोअर बैक पे यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट देखने मिल जाएगा, ये भी वेलक्रो एडजस्टमेंट है, आप जब भी बाइक पे बैठोगे बाइक पे बैठने के बाद आपको इसको एडजस्ट कर देना है, सो दैट जैकेट ऊपर नहीं आएगा और अनकम्फर्टनेस नहीं लगेगा आपको, इसलिए ये भी स्ट्रैप दिया हुआ है एंड फिटिंग भी प्रॉपर हो जाएगा। तो ये हो गए इसके आउटर शेल के बारे में बात। अभी हम लोग मूव करेंगे इनर साइड पे, देखते हैं आपको क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एक जिप मिल जाता है, ये वाइके के जिप नहीं है, नॉर्मल जिप है, तो ये आपको जिप देखने मिल जाएगा, इसमें आपको कहीं पे भी वाइके के जिप्स नहीं मिलेंगे। फिर इनर साइड पे आपको यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको वाटर प्रूफ पॉकेट मिलेगा, अगर बारिश में कुछ रखना है आपको चीजें, वैल्यूएबल थिंग्स, मोबाइल फोन हो गया, वॉलेट, कैश, तो आप ये वाटर प्रूफ पॉकेट में रख सकते हो, ये बेटर रहेगा। फिर अंदर वाले साइड पे आपको और एक पॉकेट देखने मिल जाता है यहाँ पे, तो ये वाला वाटरप्रूफ पॉकेट नहीं है ऑल्दो, बट यहाँ पे भी आप वॉलेट रख सकते हो नॉर्मल डेज पे, बारिश में मत रखना, बारिश में इसमें ही रिकमेंडेड है। यहाँ पे आपको मोबाइल फोन पाउच भी मिल जाता है ये वाला, तो ये एक अच्छा दिया हुआ है, इसमें पॉकेट्स बहुत सारे हैं, तो अगर आप पॉकेट्स आपको ज्यादा चाहिए रहेंगे जैकेट में तो भी आप इस जैकेट को देख सकते हो, पॉकेट्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अभी हम लोग ने देखा था 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल 5 पॉकेट्स आपको इसमें देखने मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये वेलक्रो दिया हुआ है ये है चेस्ट प्रोटेक्टर इंसर्ट करने के लिए, तो अगर आपको चेस्ट प्रोटेक्टर इन फ्यूचर इंसर्ट करना है इसमें तो आप वो भी इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी आपको एक कंपार्टमेंट दिया हुआ है चेस्ट प्रोटेक्टर इंसर्ट करने के लिए, तो ये एक अच्छी चीज है। तो आप अगर मतलब हम लोग एक जैकेट लेते तो आराम से 4 से 5 साल तो चल ही जाता है जैकेट, तो अगर आप उस हिसाब से ले रहे हो और आपको बाद में चेस्ट प्रोटेक्टर अगर आपको जरूरी लगा और आपको अपग्रेड करना है तो आप इसमें अपग्रेड कर सकते हो। चेस्ट प्रोटेक्टर स्टार्टिंग है 1000 रुपीज लेवल 1 का,
तो अगर आपको अपग्रेड करना है तो वो भी अपग्रेड कर सकते हो आप बाद में, आपको जैकेट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम लोग मूव करते हैं, इसके प्रोटेक्टर्स को देख लेते हैं। तो प्रोटेक्टर्स मैं आपको निकाल के प्रॉपर समझा दूंगा, इसमें आपको कौन से टाइप के प्रोटेक्टर्स मिलते हैं और कहाँ कहाँ पे प्रोटेक्टर्स है वो। तो अभी हम लोग प्रोटेक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि आपको इसमें चेस्ट कंपार्टमेंट तो मिल ही जाता है, तो अगर आपको अपग्रेड करना है तो आप अपग्रेड कर सकते हो। इसके साथ चेस्ट प्रोटेक्टर नहीं आएगा, उसके अलावा आपको इसके साथ मिलेगा एल्बो शोल्डर एंड बैक का प्रोटेक्टर, तो वो भी अभी एक एक करके देख लेते हैं। मैंने पीछे वाले साइड मेरे निकाल के रखे हुए हैं ऑलरेडी प्रोटेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके शोल्डर प्रोटेक्टर के साथ। तो इसमें आपको शोल्डर प्रोटेक्टर जो है वो YF प्रोटेक्टर का मिल जाता है। YF ही एक चाइनीज कंपनी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये YF कंपनी का आपको प्रोटेक्टर मिल जाता है जो कि लेवल 2 का प्रोटेक्टर है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी, उन्होंने आपको दिखने में आ रहा होगा लेवल 2 ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। ये प्रोटेक्टर टेम्परेचर टेस्टेड नहीं है, क्योंकि मैंने सबसे पहले ही कहा था कि ये बजट सेगमेंट जैकेट है, तो इसमें आपको मोस्टली टेम्परेचर टेस्टेड प्रोटेक्टर्स नहीं देखने मिलेंगे। तो ये आपको सी अप्रूव्ड YF कंपनी का लेवल 2 प्रोटेक्टर देखने मिल जाएगा। तो ये हो गई इसके शोल्डर के प्रोटेक्टर्स के बारे में बात। ये भी रिजिड है अच्छा खासा और फ्लेक्सिबल भी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये आपको शोल्डर में देखने मिल जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे एल्बो प्रोटेक्टर की। तो एल्बो प्रोटेक्टर भी सेम आपको YF कंपनी का, यहाँ पे आप देख सकते हो YF कंपनी का ये लेवल 2 का प्रोटेक्टर देखने मिल जाएगा। ये भी लेवल 2 है, यहाँ पे इसका कोड भी लिखा हुआ है 2012 सी सर्टिफाइड है ये। तो ये हो गई शोल्डर प्रोटेक्टर के बारे में बात। और यहाँ पे आप जो ये होल्स दिख रहे हो दोनों में भी, ये जो होल्स है ये एयर वेंटिलेटेड होल्स रहते हैं, सो एयर इजिली पास हो और प्रोटेक्टर आपका खराब ना हो वेटनेस की वजह से, उसके लिए ये होल्स दिए हुए रहते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे बैक प्रोटेक्टर की। तो बैक प्रोटेक्टर भी सेम अगेन YF प्रोटेक्टर्स का, YF कंपनी का, जैसे सेफ्टेक और सैस्टेक रहते हैं वैसे ये YF चाइनीज ब्रांड है। तो इसका आपको लेवल 2 सर्टिफाइड, यहाँ पे आप देख सकते हो ये लेवल 2 सर्टिफाइड प्रोटेक्टर देखने मिल जाएगा। और इसमें भी पूरी जगह पे आप देख सकते हो यहाँ पे होल्स दिए हुए हैं, सो दैट इजिली एयर सर्क्यूलेट हो इसमें से। और ये जो मैंने अभी आपको तीनों भी प्रोटेक्टर्स दिखाए थे, बैक शोल्डर एंड एल्बो, ये इसमें से कोई भी टेम्परेचर टेस्टेड नहीं है सभी, हालांकि लेवल 2 है बट टेम्परेचर टेस्टेड नहीं है। ये अगर आपको रेगुलर यूज के लिए लेना है या फिर शॉर्ट राइड के लिए लेना है तो ये बेस्ट है, क्योंकि इसमें से कोई भी टेम्परेचर टेस्टेड नहीं रहेगा। तो अगर आप एक्सट्रीम ठंडी में भी पहन लेते हो इसको और या समर में भी पहनना चाहते हो, तो फिर इसके प्रोटेक्टर्स जल्दी खराब होंगे, क्योंकि ये टेम्परेचर टेस्टेड प्रोटेक्टर्स नहीं है। तो आप उस हिसाब से देख लेना, अगर आपको टेम्परेचर टेस्टेड प्रोटेक्टर्स चाहिए रहेंगे तो आपको सोलेस या स्काला का ही अपग्रेडेड वर्जन है जो कि है मार्वल या थंडर, उसमें जाना पड़ेगा। उसमें आपको शोल्डर एल्बो टेम्परेचर टेस्टेड मिल जाते हैं विथ लेवल 2 प्रोटेक्शन, तो आप वहां पे मूव कर सकते हो। या फिर आपको अगर रेगुलर यूज के लिए चाहिए तो रेगुलर यूज के लिए सबसे बेस्ट जैकेट है, या फिर शॉर्ट राइड के लिए जिनका बजट कम है बट जिनको राइडिंग जैकेट लेना ही है तो ये सबसे बेस्ट जैकेट है। सिर्फ आपको प्रोटेक्टर्स का ख्याल रखना है, क्योंकि ये टेम्परेचर टेस्टेड नहीं है, तो इसको ज्यादा वेट नहीं होने देना और ज्यादा समर के टाइम पे इसको ओपन स्पेस में ही रखना, सो दैट मॉइस्चर या कुछ जमाना हो। इवन हर एक सीजन में आपको इसको ओपन ही रखना है ज्यादातर करके, कोई ऐसी जगह मत रख देना जहां पे यू नो मॉइस्चर जमा हो जाए और फिर ये प्रोटेक्टर्स खराब हो जाते हैं जल्दी, तो वो एक आपको केयर करना है अगर आप इस जैकेट को देख रहे हो तो। तो ये हो गई प्रोटेक्टर्स के बारे में बात। फिर हम लोग मूव करेंगे इसके साथ, जैकेट के साथ आपको क्या क्या मिलता है उसके बारे में। तो इस जैकेट के साथ आपको देखने मिल जाएगा रेन लाइनर जो कि फ्लोरोसेंट कलर में, आप यहाँ पे देख सकते हो ये रेन लाइनर है, ये पूरा फ्लोरोसेंट कलर में। तो अगर आप बारिश में चलाते हो तो ये कलर जल्दी विजिबल होगा, इवन बारिश में फॉग में ये कलर जल्दी विजिबल होगा। उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने फ्लोरोसेंट कलर दिया हुआ है इसमें, तो ये आपको साथ में मिल जाता है। इसके साथ आपको विंटर लाइनर नहीं मिलेगा क्योंकि ये बजट सेगमेंट जैकेट है और उनके लिए ये जो एंट्री लेवल देख रहे हैं जैकेट, तो इसमें आपको विंटर लाइनर नहीं मिलेगा। आप विंटर लाइनर आपको अगर अलग से परचेस करना है तो आपको वो भी मिल जाएगा जिसका स्टार्टिंग है 999, वो आप अलग से परचेस कर सकते हो अगर आपको ज्यादा ठंडी लगता रहेगा, क्योंकि ये मेश जैकेट है तो इसके अंदर आपको कुछ तो जाड़ा मटेरियल पहनना होगा विंटर में, तो अगर आप उस हिसाब से देख रहे हो तो आप अलग से भी परचेस कर सकते हो। इसके साथ आपको विंटर लाइनर देखने नहीं मिलेगा, इसके साथ सिर्फ रेन लाइनर आएगा। तो ये हो गई जैकेट के बारे में बात, मैंने जैकेट का आपको सभी फीचर्स स्पेसिफिकेशन सब एक्सप्लेन कर दिए। तो अभी इसके प्राइस रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो इस जैकेट का प्राइस है 5900,
इंक्लूडिंग इसके प्रोटेक्टर्स, रेन लाइनर और ये जो बैग आता है साथ में रखने के लिए, वो सब मिला के आपको 5900 में ये जैकेट आ जाएगा। इसमें सिर्फ विंटर लाइनर नहीं आएगा। तो ये जैकेट मैं उनको ही रेकमेंड करूंगा जो एंट्री लेवल है, जिनको ज्यादा बजट नहीं है, बिलो 6000 जिनका बजट है, वो इस जैकेट के लिए जा सकते हैं। इसमें आपको लेवल 2 प्रोटेक्टर्स देखने मिल जाएंगे शोल्डर एल्बो और बैक पे। एंड बेस्ट फीचर है कि इसमें चेस्ट प्रोटेक्टर का प्रोविजन दिया हुआ है, तो अगर आपको इन फ्यूचर चेस्ट प्रोटेक्शन डालना है तो आपको एक पॉकेट मिल जाएगा, उस पॉकेट में आप इंसर्ट कर सकते हो। तो ये एक अच्छी चीज है जिनको इन अभी नीड है चेस्ट प्रोटेक्टर का, बट बाद में जाके फ्यूचर में उनको नीड है तो उनको अलग से जैकेट पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसी जैकेट में आप चेस्ट प्रोटेक्टर भी अपग्रेड कर सकते हो, तो उनके लिए भी ये बेस्ट जैकेट है। एंड उन लोग के लिए ही है जिनको शॉर्ट राइड करना है या फिर रेगुलर यूज करना है ऑफिस के लिए, क्योंकि ये लाइट वेट जैकेट है, तो ये शॉर्ट राइड रेगुलर राइड के लिए आपको बेस्ट रहेगा। उनके लिए मैं ये रेकमेंड करूंगा। अगर आपका लॉन्ग राइड रहेगा, आप ऐसा जैकेट देख रहे हो जो आप 1000 किलोमीटर पहन सको, या फिर आपका 2000 किलोमीटर का राइड रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा, तो उनके लिए ये रेकमेंड नहीं है। इससे बेटर है कि आप थोड़ा सा और पैसा डाल के आप 7000 वाला जो जैकेट है स्काला का, मार्वल, या फिर थंडर जैकेट है जो 9000 के रेंज में जाता है, आप उसके लिए जा सकते हो। वो बेटर ऑप्शन रहेगा अगर आपका लॉन्ग राइड ज्यादा प्रेफरेंस रहेगा। बट अगर आपका शॉर्ट राइड रहेगा या रेगुलर राइड रहेगा, तो ये सबसे बेस्ट जैकेट है। आग बंद करके इस जैकेट के लिए जा सकते हो आप। सो ये हो गए स्काला ब्लेज जैकेट के बारे में इन्फॉर्मेशन। अगर आपको और कुछ जानना रहेगा इस जैकेट के बारे में, या फिर आपकी और कुछ इंक्वायरी रहेगी, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, या फिर आप हमें डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे सब डिटेल्स दिए हुए हैं इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के, वहाँ पे जाके आप डिटेल्स लीजिए और हमें आप अपनी इंक्वायरी भेज सकते हो बेझिझक। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब पे, और ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जो जैकेट देख रहे हैं एंट्री लेवल, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, तो उनको भी पता चले इस जैकेट के बारे में और फिर वो लोग परचेस कर सके। अगर आपको ये जैकेट परचेस करना है, आप शॉप पे नहीं विजिट कर सकते हो, तो हमारा एक वेबसाइट है bikersworld.in, वहां पे जाके आप डायरेक्टली ऑर्डर डाल सकते हो। हम लोग ऑल ओवर इंडिया शिपिंग करते हैं, तो वहां पे आप ऑर्डर प्लेस कर दोगे तो आपको जैकेट ये मिल जाएगा। डिलीवरी फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आपको और कुछ जानना रहेगा तो प्लीज हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, लव यू ऑल, #gearupyourride।